नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कभी भी देखिएगा सरकार टैक्स जब बढ़ाती है तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए सबसे निगेटिव अपडेट होती है, और तब बढ़ाए जब एक्सपेक्टेशन भी ना हो, रात को अचानक से बढ़ा दे, मार्केट क्लोज है। और आप समझ सकते हो कि ऐसे पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसा सेक्टर जिसमें जो निफ्टी 50 को मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा थर्ड पॉइंट पे सपोर्ट करता है, यानी कि जिसका वेटेज थर्ड लार्जेस्ट वेटेज है निफ्टी 50 में, उस सेक्टर पे सरकार ने अचानक से टैक्स लगा दिया है। और वो टैक्स पहले ज़ीरो था और अब फिर से देखेगा वो सारी कंपनी सारे सेक्टर को देखेगा इम्पैक्ट करेगा, और मंडे को आपको इस सेक्टर में गिरावट देखने मिलेगी। अब ये कौन सा सेक्टर है? ये सेक्टर में आपका सबसे बड़ा दिग्गज भी बैठा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट जोन में है, और मल्टीपल इवेंट ऐसे हैं जिसके कारण रिलायंस इंडस्ट्री अगले हफ्ते आपको सुस्त होता हुआ देखने को मिल सकता है। और सुस्त अगर रिलायंस इंडस्ट्री होता है तो निफ्टी में भी सुस्ती आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा अपडेट आ रहा है। इंडिया ने क्या कर दिया है, पूरी तरीके से सरकार ने ज़्यादा दिन नहीं बिताए, ज़्यादा दिन तक देखिएगा ज़ीरो नहीं रख पाए, इंडिया ने री इम्पोज कर दिया है, फिर से लगा दिया है विंडफॉल टैक्स। आप देख सकते हो फिर से री इम्पोज करा है विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोलियम क्रूड आफ्टर गैप ऑफ 2 मंथ। 2 महीने से ये पर्टिकुलर जो देखेगा टैक्स था वो टैक्स पूरी तरीके से ज़ीरो था, और रिलायंस इंडस्ट्री और जितने भी ऑयल एंड गैस के सेक्टर हैं वो इसका बहुत बढ़िया तरीके से फ़ायदा उठा के प्रॉफिट बना रहे थे। बैक टू बैक उन्हें एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और कई सारे मल्टीपल देखिएगा अपडेट आ रहे हैं कि रशिया एक्सपोर्ट कट करने वाला है, एक्सपोर्ट वो कट करेगा तो आपको पता है सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में कम होगी और प्राइस बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में सरकार ने पहले से ही ये समझ रखा था कि यहाँ जब उन्होंने लास्ट टाइम ज़ीरो किया था तो क्रूड ऑयल था $68 पे, अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 74-75 डॉलर पे आ चुका है। तो सरकार भी आपको पता है कि उन्हें पैसा चाहिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए, ज़्यादा डिमांड क्रिएट करने के लिए। तो वो ऐसे ही सेक्टर पे देखिएगा फोकस करते हैं जहाँ पे पैसा बहुत तेज़ी से बन रहा हो, चाहे GST में हो, गेमिंग इंडस्ट्री पे देखिएगा बहुत बुरा इम्पैक्ट दिया है। और अब बात हो रही है पूरी तरीके से विंडफॉल टैक्स की, तो विंडफॉल टैक्स इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से लगा दिया है, जिसके कारण ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपको ज़ोरदार गिरावट देखने को मिलेगी मंडे और अगले हफ्ते को, क्योंकि यहाँ पे 2 मंथ के गैप के बाद ऐसा हुआ है और 15 जुलाई से ये प्राइस इफ़ेक्टिव हो जाएंगे, ये टैक्स इफ़ेक्टिव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से जो टैक्स एग्जीक्यूशन है वो 15 जुलाई यानी सैटरडे से आपका देखिएगा एग्जीक्यूट हो चुका है। मंडे को ये इम्पैक्ट करेगा ऑयल एंड गैस को, और ये कितना कर दिया गया, ये ज़ीरो था, ज़ीरो से बढ़ा के कर दिया गया है ₹1600 पर टन। आप समझ सकते हैं ये एकदम ज़ीरो था, आप देख सकते हो यहाँ पे ज़ीरो से सीधा आ गए हैं 1600 पर मेट्रिक टन। तो आप समझ सकते हैं ये सारे चेंजेस आपको सैटरडे को देखने मिलेंगे, लेकिन सैटरडे को बाज़ार क्या होता है, बंद होता है। तो इम्पैक्ट कब आएगा, इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा आपको मंडे को, और जब इम्पैक्ट आएगा तो जितना भी प्रॉफिट बना रहे थे ये कंपनियां तेज़ी से वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पूरी तरीके से उनके अरमानों पे पानी फेर दिया है। आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट हैज़ लेफ्ट द विंडफॉल टैक्स ऑन डीजल पेट्रोल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल अनचेंज एट ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कई ऐसे सेक्टर होंगे जो इंटीग्रेटेड हैं किससे, क्रूड ऑयल से। तो इंटीग्रेटेड हैं तो आपको पता है कि उनके भी प्राइस देखेगा काफ़ी ज़्यादा, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, और
उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा पूरी तरीके से। लास्ट टाइम देखिएगा मई में जब विंडफॉल टैक्स 4100 पर मेट्रिक टन के आसपास था तो वहाँ से ज़ीरो कर दिया गया था। अब एग्जैक्टली 2 महीने बाद यहाँ पे फिर से ये इम्पोज किया गया है, तो यहाँ पे कंपनियों को इसका अंदाज़ा भी नहीं था। और अगर आप देखेंगे तब जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो $68 के आसपास थे, लेकिन अब $74-75 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको देखिएगा गवर्नमेंट ने करते हुए दिखाया है। और आपको पता है यहाँ पे ऑयल प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से 11% दो पर्टिकुलर वीक्स में जंप हुए हैं, और आपको पता है कि ये 11% का अप ट्रेंड ही ज़्यादा टैक्स का कारण बन रहा है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए ऑयल एंड गैस कितना सपोर्ट करता है निफ्टी को, तो निफ्टी को ये सपोर्ट करता है थर्ड नंबर पे, ये देखिए 11-12% का सपोर्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर का है। इसके लिए पूरी तरीके से निगेटिव अपडेट आई है, तो निफ्टी परेशान होगा। और रिलायंस इंडस्ट्री भी देखिएगा इस सेक्टर का दिग्गज है, जिसका 10% का वेटेज है किसमें, निफ्टी 50 में, तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जिसका इम्पैक्ट आपको मंडे को देखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।